जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद प्रोफुत की बात थे और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं, और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे, निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है, किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी रातों रात, कितने करोड़ रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इन जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने रूमर देखी कि वो चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई, और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिसक्वालिफिकेशन का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में उन्हें निष्कासित किया गया है, कुछ विधायकों को बात तक रखने का समय यहाँ पर। देखिए सदन में जिस आपके पास वीडियो फुटेज है, स्पीकर के मार्शल से लड़ाई करना, स्पीकर से लड़ाई करना, हमने कितना शांति का परिचय दिया। हमने हाउस को थोड़ा और लेट किया कि इन सबको उठाओ, स्पीकर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। कैसे वो बदतमीजी कर रहे थे, कैसे वो सदन के अंदर नाच रहे थे। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में। तो हिमाचल तो इस प्रकार की गुंडागर्दी पहले देखी नहीं, हिमाचल तो देवी देवताओं का प्रदेश है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रदेश है। और पर जो इस प्रकार इस प्रदेश की जनता को भी शर्मसार किया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कभी विरोध आता है, गुस्सा आता है तो उसमें दे दिया जाता है, उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्वीकार कोई औचित्य नहीं, उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट का वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए तो उनसे मेरी बात, उनकी कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद। अभी कैबिनेट की बैठक नहीं है क्योंकि कैबिनेट की बैठक कल होगी।